गर्ल्स है कि नहीं? गेम पान आए ने सारे बंदे अपने सारे भरा गेम पान आए ने। फिर हम सब ने अपनी फोटो गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पर गुरपुरब है। ये गुरपुरब इतिहास बताने जा रहा हूँ, थ्री स्टोरी बताऊंगा गुरु नानक देव जी की जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत रियल। वो रियल पानी पूरा सुखा दिया, तो पानी सुखाने के बाद क्या हुआ, उनका जो पानी था ना उसका पानी वो गुरु नानक देव जी के पास से निकलने लगा। फिर क्या हुआ, वली गंधारी को ना गुस्सा आया, मिली भागो, हाँ मुझे याद आ गया उस बंदे का नाम था मिली भागो, तो उसको अपने सही राह पर डाला था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स लवप्रीत सिंह ब्लॉग। सो आज मेरे ब्रदर का रिसेप्शन है, तो आज हम जाएंगे, पहले शॉपिंग करनी है। और मेरी मासी ने यूके से कुछ पेमेंट भेजी है, उन्होंने कोई सामान वगैरह लेना था अपना, तो फर्स्टली मैं उस पेमेंट को निकलवाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ मनी चेंजर के पास। ये हर करेंसी की मनी को इंडियन में चेंज कर देते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम भी अंदर और चल कर अपनी मनी लेते हैं अंदर से। सो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया अपनी मनी, तो अब हम चलते हैं कुछ शॉपिंग करने। वैसे मार्केट तो पास में ही है। वैसे ना मैं पार्टीवेयर ब्लेज़र लेने आया हूँ, वैसे अभी तो कोई समझ में आ नहीं रहा कि कौन सा लें कौन सा नहीं। देखो ये कितने सारे ब्लेज़र्स हैं यहाँ पर, अब देखो इसमें से कोई पसंद आ जाए तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। अभी तो ढूंढ ही रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये पार्टीवेयर बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसकी बिलिंग कराते हैं नीचे जाके, काफ़ी अच्छा है ये। वाओ, इनकी डिज़ाइन कितनी अच्छी है फ्रेंड्स। ये ब्लू वाला तो इतना खास नहीं, ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है, तो तुम बताओ कमेंट में कौन सा अच्छा है। मेन मैं तो एज ए कस्टमर डील कर रहे हैं, जिन सवेरे लाओगे तो क्वालिटी मांग रहे हैं कि मैं लाऊं रात तक खुश होना, तो पूरा अच्छा है। वाला गर्ल्स का है कि नहीं? सर ये बॉयज है, बॉयज है, गर्ल्स तो सानू मिल जाएगा सर, वो तो सारे हो रहे हैं, वो डार्क बता रहे हैं, दिखाया है कि आप मुंडे कुड़ी दोनों लगा सकते हैं क्योंकि पार्टी वेयर है। अच्छा, सो फाइनली फ्रेंड्स मैंने ये वाला ले लिया है, वैसे मैंने कभी यूज नहीं करा ये वाला, तो देखते हैं कैसा है ये। ते एक चीज और बताऊं, था 39 शायद अगर तो फ्लॉप हो गया थोड़ा। तो चलो फ्रेंड्स हम चलते हैं घर पर, 40 तो बंद हो गया है, तो हम घर पर अब तैयार होते हैं। सो मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली हैं और अब हम होते हैं तैयार, क्योंकि मैं हो चुका हूँ लेट, तो पार्टी के लिए मैंने अपने कपड़े और एक्सेसरीज निकाल ली हैं। फ्रेंड्स मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी, पर रेडी होते होते पूरे कमरे के अंदर सब कुछ बिखर चुका है, तो अब आकर ही समेटेंगे, तो अब चलते हैं रिसेप्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ मेलोन गार्डन में और अब हम चलते हैं अंदर। मैंने देखो यहाँ पर अपनी भारी बाइक खड़ी कर दी है बिल्कुल पास में। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? सो मैं ना कल के टेक ले नहीं पाया अपने, वो जो पार्टी थी ना अपनी उसके अंदर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मेरे पास चार्जर नहीं था आईफोन का, तो मेरे पास टेक आ नहीं पाए। तो अभी भी मैं एक रिसेप्शन में आया हूँ, ब्लॉग ख़त्म नहीं होगा गाइस, अभी एक रिसेप्शन है मेरे ब्रदर का, तो अभी हम सब भाइयों से मिलते हैं अंदर जाके। अपने भाई आ चुके हैं सारे, अपने और बाजी अपने अपने सिंगर बाजी सारे बंदे अपने सारे भरा गेम पान आए ने। फाइनली फ्रेंड्स हमने सामान लोड कर लिया,
रिंकू भाई सामान लोड हो गया, सामान लोड कर दिया। ये क्या है मतलब, इसमें क्या सिस्टम है, क्या है मतलब इसमें क्या। आ जा भाई। फिर हम सब ने अपनी फोटो क्लिक करी साथ में खड़े होकर, सारे हम ब्रदर्स हैं। फाइनली फ्रेंड्स, मैं पार्टी से बाहर आ चुका हूँ, तो अब हम जा रहे हैं अपनी शॉपिंग करने अगेन। कल क्या है कि आपको कोट वगैरह दिखाई देना, तो उसमें ना हमने एक कोट तो ले लिया था, आज एक और कोट लेना वहाँ पर पसंद आ गया था, तो वो लेने जा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी बड़ा मार्केट है वैसे तो, ये तो जाम बड़ा लगा हुआ है यहाँ पर। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अपनी पार्क कर दी है बाइक को, तो अब हम चलते हैं शॉप के अंदर। तो बताओ गाइस कौन सा लिया जाए, ये वाला तो ये वाला, इसमें ये ब्लू वाला भी है। तो पाजी व्यूअर्स में पूछ रहे हैं क्या लगता था, व्यूअर्स दसेंगे यूट्यूब पे। पाजी अपना प्राइस की है ना दा, 2500 है। तो फ्रेंड्स इनका प्राइस वगैरह भी ठीक है, इसकी स्टफिंग देखो कितनी अच्छी है, इसकी भी स्टफिंग काफ़ी अच्छी है, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ यही वाला ले लूँ। वैसे कंफ्यूज हो जाता है बंदा बहुत, है ना, कि कौन सा लें कौन सा ना लें। और मैंने ये दूसरा वाला निकाला है एक, ये भी बहुत अच्छी पार्टी वेयर है बहुत ज़्यादा, तो ये भी इसकी स्टफिंग वगैरह कपड़ा बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने शॉपिंग कर ली थी, तो ये देखो इतनी अच्छी तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट की जा रही है। ये गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पर, गुरपुरब है, ये गुरपुरब की तैयारियाँ की जा रही हैं सारी, और गुरपुरब वाले दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देखना, मैं व्लॉग बनाऊँगा। और ये देखो रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया है, और उधर की साइड से भी ना इन्होंने रास्ता बंद कर दिया हुआ है, देख सकते हो फ्रेंड। मैं अपना ब्लॉग एंड करूंगा, पर उससे पहले ना आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं। जैसे कि अपना 27 नवंबर होना गुरु नानक देव जी ना हैप्पी बर्थडे है, उनका गुरुपुरब है, तो उस दिन का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा सबसे पहले तो, और मैं वो व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊँगा, सब चीज़ कवर करूँगा, बहुत कुछ होता है। तो मैं ना अपने पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक देव जी है ना, वो उस सिख धर्म के पहले गुरु हैं, उनका जो जन्म है ना वो तलवंडी गांव में हुआ था, तलवंडी शहर में सॉरी, और जो पाकिस्तान में है, पर वो आगे चलकर ना उसका नाम चेंज हो गया था और उसका नाम नानका पड़ गया था, और उनका जो जन्म है ना वो, और अब ना मैं उनके बारे में ना वो तीन उनकी कहानियां बताने जा रहा हूँ, 3 स्टोरी बताऊंगा गुरु नानक देव जी की, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत रियल, वो रियल स्टोरीज हैं सारी की सारी। सो फ्रेंड्स, मैं आप उनकी पहली स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो उनकी पहली स्टोरी में क्या हुआ था, एक ना वली गंधारी नाम का इंसान था, जहाँ पर जो उन यात्रा में मिला था, वो यात्रा पर थे अपनी, तो वहाँ पर उन्होंने रेस्ट करा। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को बोला कि जाओ उससे पानी ले आओ, तो फिर वो गए, तो उन्होंने 3-4 बार भेजा, बट उन्होंने मना कर दिया वली गंधारी ने कि मैं नहीं दूंगा। तो फिर उनका घमंड तोड़ने के लिए ना गुरु नानक देव जी ने उनका पानी पूरा सुखा दिया। तो पानी सुखाने के बाद क्या हुआ, उनका जो पानी था ना, उसका पानी वो गुरु नानक देव जी के पास से निकलने लगा। फिर क्या हुआ, वली गंधारी को ना गुस्सा आया कि ये क्या करा इन्होंने, तो फिर उसने पता क्या करा, तो फिर उसने ना ऊपर से जाकर ना, जहाँ पर गुरु नानक देव जी बैठे थे, उन्होंने पत्थर फेंका गुरु नानक देव जी के ऊपर। तो वो जो पत्थर है ना, उन्होंने देखा गुरु नानक देव जी ने, तो फिर उन्होंने अपने एक हाथ से ना वो पत्थर को रोक दिया, और उनका जो हाथ था ना वो पत्थर पे छप गया था। तो उस जगह पर ना एक गुरुद्वारा बना था, पंजा साहिब गुरुद्वारा, जो अभी भी है। और ये गुरुद्वारा पता है कहाँ पर है, ये गुरुद्वारा पाकिस्तान हसन अफदाल में है इस टाइम। फ्रेंड्स, अब उनकी मैं दूसरी स्टोरी बताने जा रहा हूँ आपको। दूसरी स्टोरी में क्या हुआ था कि अपने जो गुरु नानक देव जी यात्रा पर थे, तो उन्होंने ना वहाँ पर एक जगह पर जाकर ये बताया दुनिया को कि यहाँ पर जो है ना, मतलब दुनिया को ये समझाया था कि मतलब एक ईमानदारी की रोटी और एक बेईमानी की रोटी में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने ऐसा कुछ करा कि एक गरीब बंदा था और एक अमीर बंदा था, तो वहाँ पर जाके उन्होंने क्या करा, उन दोनों की रोटी ली, तो रोटी लेकर ना उन दोनों की रोटी ना अपने एक हाथ से दबाई ऐसे करके, तो एक रोटी में से तो दूध निकला और एक में से निकला था खून। तो उन्होंने बताया कि
ये जिसमें से खून निकला है और सब दुनिया को दिखाया था, ये बेईमानी की रोटी है जिसमें से खून निकला है और जिसमें से दूध निकला है ना, वो ईमानदारी की रोटी है। तो जो गरीब बंदा था ना उसकी उसकी तो ईमानदारी की थी, पर जो अमीर बंदा था उसकी बेईमानी की थी। तो फिर उस बंदे को ना उन्होंने अपने सही राह पर डाला था, और उस बंदे का नाम था मिली भागो। हाँ मुझे याद आ गया, उस बंदे का नाम था मिली भागो। तो उसको अपने सही राह पर डाला था, उसको बताया था ऐसे नहीं, मतलब सही राह पर चलने के लिए बताया उन्होंने।